चाय, ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक। यहाँ चाय देखी, चाय की हालत कुछ इस तरह से हो रखी है कि बस जल्दी से इसमें फटाक से दूध डाल दो, नहीं तो ज़्यादा ही कड़ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध। अब देखिए इसका कलर। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ खाने पीने का बना लूँ, मैं सोच रही हूँ कहीं जाने के लिए। तो बस यहाँ पे चाय जो है रेडी हो चुकी है और कुछ खाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे चाय तो बन गई है, मेरे हस्बैंड को बिना चीनी की देती हूँ, और उसके बाद हम अपने लिए और बेटे जी के लिए चाय में चीनी डाल रही हूँ। वैसे मुझे पहले नहीं पता था, फिर बाद में लगा कि हाँ है, मेरा और श्रेया का जो है कपड़ा सेम हो गया है। ज़्यादातर ऐसे हो जाता है, उसका येलो, मेरा भी येलो दुपट्टा था। तो सब हम लोग जा रहे हैं मार्केट अभी, और कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदारी करनी है बेटे जी को, और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग हो जाती है, क्या क्या ले लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग पहुँचाए हैं, मतलब मार्केट में हमें पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर पे हैं। और चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाता है, क्या ले पाते हैं। अभी बेटे जी चलाना शुरू कर लिए हैं, और थोड़ा सा भी जैसे चौक वगैरह ये जगह सीधा सीधा जैसे है, बहुत भीड़ जगह पे तो नहीं चलाते हैं, लेकिन बट आज जैसे हम लोग गए जा रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ये नहीं चला पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हाँ सही से चला रहे हैं। और अभी हम लोग शास्त्री ब्रिज पर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है एक सड़क, तो यहाँ पे ना जो है एक सड़क बंद हुई थी, अभी थोड़ा सा बाइक वगैरह चल रही है, और इस पर क्यों हो रहा है कि मतलब वन वे हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोग अभी सिटी में पहुँच आए हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ढेर सारा बैग वगैरह लगाया था, देख के मतलब जब कहीं देखो ना तो कोई भी चीज़ जैसे शूज, बैग और कपड़े, तो ऐसा लगता है कि यार ये लो, ये ले लें, ये ले लें, ऐसा लगता है। अभी हम लोग फाइनली पहुँच आए हैं यूनिवर्सिटी, और मतलब विश्वविद्यालय जो है, तो बेटे जी कह रहे हैं मेरा कॉलेज आ गया है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच आए हैं। अभी जो है मेन मार्केट जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी नहीं पहुँचे हैं, तो ये बीच का वो है, लेकिन ये है कि हम लोग सिटी में आ चुके हैं। और अभी थोड़ा सा और जाने पे इसके यहाँ पे देखिए चाइल्ड्स कपड़े जो है, और चाइल्ड्स को देख के ना लगता है कि किट्टू के लिए कपड़ा लेना है। और ये किट्टू, अभी जब किट्टू नहीं हुआ था तब छोटे कपड़े देख के फिर वो नई फीलिंग आती थी कि हाँ किट्टू के लिए लेना है। अभी लगता है कि हाँ किट्टू है, एक छोटा घर बेबी, उसके लिए लेना है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर चले आए हैं, और फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कि येलो येलो जो है मैचिंग मैचिंग हो गया है ना। और किसकी किसकी ख़रीदारी होती है, किसकी नहीं होती है, क्या क्या मिल जाता है। देखिए हम प्लान बना के बहुत जाते हैं, बट उस तरह से प्लान के हिसाब से हो नहीं पाता है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ अलग कलर चॉइस करके जाते हैं, तो मार्केट में वो चीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे कुछ गाउन वगैरह लगे हुए हैं, और चलिए देखते हैं कौन सा सिलेक्ट होता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो ढेर सारा यहाँ पे गाउन लगा हुआ है, कुछ लहंगे ट्राई कर रहे हैं, मतलब ट्रायल भी हो रहा है। और यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे जैसे कि हल्दी के लिए ना वो होता नहीं, ईयरिंग्स और गले का ये सब सेट वगैरह, और यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी है, मतलब कॉस्मेटिक की दुकान है। और उसके बाद में फिर वहीं पे है ये कुर्ती की दुकान, और यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ दिखाना चाहती थी। इसकी सीढ़ियाँ जो हैं ऐसा लग रही थी जैसे घास से बनी हुई है, जो कारपेट बिछा होता है ना वो है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। मैम एक येलो गाउन आएगा, वन पीस गाउन में देखो, और कुछ ना बोले येलो येलो एक ये वैरायटी देखिए येलो में। तो भैया इसका रेट बता दीजिए। तो यहीं पे हम
लोग रुके थे और यहाँ पर जो है माहौल जो है कितना शांत है, बड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसे माहौल हम चाहते थे, इसलिए हम इलाहाबाद छोड़ के नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी आना पड़ा। तो कुछ ख़रीदारी हो गई है और कुछ मतलब ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है और हम लोग फाइनली वापस घर की तरफ चल रहे हैं। और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ली हूँ अभी, और मेरी तो ख़रीदारी पहले से ही हो गई थी तो मैं नहीं ली हूँ अभी। हमारी चूड़ियाँ उड़ियाँ लेना बचा है तो वो मैं लूँगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हम लोग खा रहे हैं क्या, जब शॉपिंग करने के बाद मज़ा आता ना कुछ भी खाते हो। तो यहाँ पर देखिए, अरे खुद तो शर्म कर लो यार, खुद तो शर्म कर लो, कुछ तो कर लो। नहीं मैं तो ऐसे उसे चिढ़ा रही हूँ, बट मैं अभी ये खा रही हूँ और सब लोग खा रहे हैं। बेटी जी गाड़ी चला रहे हैं, बेटी जी श्रेया जा चुकी है। कल मैंने ऐसे बाल बांधा था, देखिए कैसे बिखरा हुआ सा है। तो मैं थोड़ा सा किचन में जा रही हूँ, सोच रही हूँ बेटी जी के लिए थोड़ी सी पूड़ी बनाऊँ कि मैं चाय पी लूँ। पूड़ी आएंगी तब बनाएंगे गर्मा गर्म। तो श्रेया जा चुकी है, सब्जी बन गई है और उसके बाद मुझे बनाना है पूड़ी। चावल चढ़ाई गई ना पहले, तो दीपावली का प्रसाद था ना लाई चूड़ा, मैंने मिक्स कर दिया है और यहाँ पे गट्टा भी है। तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी छूते ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, गट्टा है, हाथी घोड़ा है, रेवड़ी तो मैंने ख़त्म कर दिया था। मैं 250 ग्राम मंगाती हूँ बस, 250 ग्राम में आप देख लीजिए कि अभी बचा हुआ है। और जबकि और मैं उसमें डाल दी, ये भी है 250 ग्राम में, देखिए तो आधा तभी यहाँ पे बचा है, जबकि मैं वो उसमें डाल दी थी चाय में, और ये चाय में ही जाएगा। और अभी मैंने 3 यहाँ पे लेके रखा है, ये मैंने दवा रखी है और ये है कोकोनट की टॉफ़ी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी मेरा खाना वगैरह हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ ये कि छांट दूँ उसको। और यहाँ पे देख लीजिए श्रेया का जो है टेडी बियर आराम कर रहा है, श्रेया स्कूल गई है। और मैंने बिस्तर वगैरह सारे चीज़ों को सेट कर लिया है और मोबाइल भी लगी है चार्जर में। तो इस तरह से यहाँ पे जो अभी चेयर पे देख रहे हैं, चेयर पे ज़्यादा कपड़ा नहीं है, एक पॉलीथीन एक गर्म कपड़ा है और वो वाली अलमीरा सही करना है मुझे। वो उसमें जो कपड़े इधर साइड में रखे हैं वो सिलाई करने के हैं, और स्टूल पे जो कपड़े रखे हैं कुछ तो सिलाई करने के हैं, कुछ तो कवर्ड में रखने के लिए हैं। तो यहाँ पे जो इतने देख रहे हैं यहीं पे गंदगी है, बाकी तो सब मैंने कमरे को समेट लिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए कमरा समेट गया है, जब बेड शीट समटा रहता है ना तब लगता है कि हाँ यार कमरा सही है, बस ये कोना जो है इसको समेटना है, टाइम मिलेगा तो करूँगी। और बाकी इधर का सब झाड़ू पोछा वगैरह हमने लगा लिया है और आरओ चल रहा है, अभी पानी भर रहा है तो आरओ का पानी हम इकट्ठा कर लेते हैं। कपड़े वगैरह हमने धुल लिया है, सारा काम हो गया है। तो किसको प्रसाद खाना है, लाई का, लाई और टॉफ़ी खा लीजिए, दवा तो नहीं कहूँगी क्योंकि भाई दवा किसी को रोजी ना हो खाने की। तो ये थी जो कि कुछ शॉपिंग वगैरह, जो कि मैं आने के बाद मैं सोची थी कि मैं आपको क्लिप शेयर करूँगी, उसके बाद मैंने किया ही नहीं। और अभी मैं वीडियो को यहीं पे इन करूँगी, मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।